नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 36 इयर्स है और ये पाम का कलर काफ़ी बेस्ट है और बहुत सारी खासियतें और बहुत सारे माइनस पॉइंट भी है इस पाम में। एक तो ये कलर बेस्ट है, ये कलर व्यक्ति को पैसा खींच कर लाता है और पैसा कमाता भी व्यक्ति अच्छा है और खर्च भी उस व्यक्ति का काफ़ी अच्छा होता है। और ये पाम काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है, इस तरह का चौड़ा पाम व्यक्ति अगर रेगिस्तान में भी चला जाए तो वहाँ पर भी मीठा पानी निकाल कर लाएगा। ये इतने मेहनती किस्म के इंसान रहते हैं, ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है। इस पाम में अगर फेट लाइन न भी हो तो भी व्यक्ति लाखों रुपया कमाता है, इस तरह के चौड़े पाम वाला व्यक्ति। इनका अंगूठा काफ़ी सशक्त है, फर्श फैलेंज भी नुकीला और बड़ा भी है, तो जिद भी होगी कार्य के प्रति और एक ध्येय में काम करने वाले इंसान भी होते हैं। सेकेंड फैलेंज थोड़ा सा छोटा है तो व्यक्ति तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में कहीं ना कहीं कमजोर होता है लॉजिक के साथ। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, तो ऐसे लोगों के जेब में अगर 50,000 होंगे तो ये लोग 50 लाख की भी रिस्क ले सकते हैं, इतने हिम्मत वाले होते हैं, ट्रिमेंडस हिम्मत होती है। छोटी उंगली फर्श फैलेंज तक पहुंच रही है और जिसका अंगूठा और ये उंगली अगर बड़ी है, अंगूठा और ये उंगली बड़ी है तो व्यक्ति आम लोगों से कई गुना ज़्यादा सफल होता है, यानी सक्सेसफुल रहता है। और ये बड़ी उंगली व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। और इनके उंगलियों के जो टेरवे है, जो फर्श फैलेंज है, वो जिस तरह का है, इनको हो ना हो राजनीति के अंदर रुझान जरूर इनका होगा, यानी पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्टेड होंगे, यानी उसकी बात करना, उसके प्रति जागरूक रहना, ये इनका शौक होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, पर ये जो उंगलियों के प्रकार है वो इस तरह की शो कर रहे हैं। दूसरी पाम के मुकाबले उंगलियाँ छोटी है तो बहुत स्पीड में निर्णय लेने वाले होते हैं, प्लस इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब ये क्या कारण है पता नहीं, पर उंगलियाँ छोटी होती है तो हाथ के नीचे काम करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी एक खासियत, यहाँ पर एक अच्छा सा धनुषाकार बन रहा है। जब ये पार्ट में अगर धनुषाकार बनता है तो व्यक्ति समझदार भरपूर होता है, जो जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है उसको ये लोग अच्छी तरह से ग्रैब कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं ये लोग। बहुत कम रेखाओं वाला पार्ट है तो ज़्यादा रेखाएँ नहीं होती तो उसका जीवन भी इतना धूमिल नहीं होता, स्मूथ होता है, एक व्यवस्थित चलने वाला जीवन होता है। बुध पर्वत अच्छा है और उस पर बहुत सारी खड़ी लाइनें भी है और इतनी लाइनें भी व्यक्ति को रिच बनाती है, कमर्शियली पावरफुल बनाती है, थोड़े से सेवाभावी भी बनते व्यक्ति, प्लस सुंदरता मिलती है व्यक्ति को, वाणी अच्छी होती है, ये सारे गुण बुध पर्वत से मिलते हैं। इनकी सूर्य रेखा भी देखे तो दो सूर्य रेखा है, एक यहाँ से शुरुआत हो रही है और एक यहाँ से। दो सूर्य रेखा का मतलब है मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है, उसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट भी व्यक्ति में होता है और ये 56 के आसपास से एक्टिव हो रही है और ये भी आगे एक्टिव कंटिन्यू चल रही है, तो 56 के बाद इनके पास कंफर्टेबल इनकम आएगी, उसके पहले ये हार्डवर्क भी कराती है। जवानी के दिनों में काफ़ी हार्डवर्क व्यक्ति के जीवन में रहता है जब आपके हाथ में सूर्य रेखा है, और इतनी कम रेखा में भी मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन इनके हाथ में क्लियर कट बनी हुई है, तो जीवन में प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक ये बनाएंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट, यानी आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, इतने फ्लैट पर जब शनि पर्वत होता है। और उस पर देखिए बुढ़ापे में बहुत सारी रेखाएं इस तरह से चल रही है, बहुत सारी, ये मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में
बुढ़ापे में अच्छी खासी जगह से इनके पास मल्टीपल इनकम आएगी और समृद्ध जीवन जिएंगे, क्योंकि फेट लाइन काफी अच्छी पोजीशन में है। गुरु पर्वत भी अपने आप में उभार है और बड़ा भी है, और साथ में एक गुरु वलय है, ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है, या पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है उसके प्रति, या वास्तुशास्त्र उस टाइप के जो भी साइंस है उसके प्रति इंटरेस्ट दिलाता है। और इस तरह का गुरु पर्वत व्यक्ति को एक कंफर्टेबल पारिवारिक जीवन मिलता है, और सांसारिक जीवन भी व्यक्ति का देखा जाता है बहुत बार कंफर्टेबल होता है। और खड़ी लाइन भी है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है। इनका ये जो पर्वत है मंगल पर्वत, ये कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जानकार होंगे। अगर ये स्पोर्ट्स में भी अपनी दुनिया बनाना चाहते तो ये बना सकते थे, क्योंकि इस तरह का ये अंदरूनी मंगल है, एक स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी इनकी होगी, और आज भी कोई ना कोई खेल तो खेलते ही होंगे। ऐसे लोग बुढ़ापे तक कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई खेल के अच्छे जानकार होंगे ये। और ये अगर मेहनत करते, मुझे मालूम नहीं ये कौन से स्टेज तक पहुंचे, पर इस तरह का मंगल व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर तो पहुंचा ही देता है। और अगर इस तरह की रेखा अगर कोई जाती हो चंद्र पर्वत पर, तो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल तक का स्पोर्ट्स का पर्सन बनता है। अब इन्होंने स्पोर्ट्स को अपनाया है या छोड़ दिया है मालूम नहीं, पर ये अगर जवानी के दिनों में ये पाम आता तो मैं इनको 100% सलाह देता था कि आप स्पोर्ट्स में कारकिर्दी बनाइए आप, क्योंकि इतना बेस्ट अंदरूनी मंगल है और क्लीन है, 100% इनको ट्रिमेंडस सफलता मिलती थी। शारीरिक की ऊर्जा भरपूर रहती है इस तरह के मंगल वाले के पास, भरपूर शारीरिक ऊर्जा रहती है और बुढ़ापे तक रहती है, मरने तक। भारी मंगल काफी अच्छा है, इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव, जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो ये इनको और जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो इनको विदेश जाने की ओर सोचना चाहिए, मेरी राय तो ये है, क्योंकि इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता ही है। और इनकी जो जीवन रेखा भी है ये भी लगभग इस तरह से पहुंच रही है, और यहाँ पर एक फोक बना हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहती है। और चंद्र का कलर भी अच्छा है, तो इनको 100% उस तरफ सोचना चाहिए। और ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है जन्मस्थल से दूर अपने जीवन का विकास करते हैं। अगर ये जन्मस्थल पर होंगे तो इनको सोचना चाहिए जन्मस्थल से दूर कहीं विकास करने की ओर। ये 100% ये जन्मस्थल पर इस तरह के लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाते अपना, इनको विदेश की ओर ही जाने का सोचना चाहिए। और ये टाइमिंग भी इनका आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक फेट लाइन में ब्रेक है, अगर ये अभी सोचेंगे तो ये पॉसिबल है ये पहुँच भी जाएंगे विदेश में। इनको इस तरफ 100% सोचना चाहिए। और इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का इनका मादा होता है, यानी नई नई चीज़ें करने की इच्छा शक्ति जागती है इस तरह के चंद्र पर्वत पर। पर इस पाम में देखे तो मनी ट्रायंगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो जनरली देखा गया इनकी रेखाएं अच्छी है तो ज़्यादा संघर्ष नहीं रहेगा, और बाकी के ग्रह अच्छा है, अच्छे है, नहीं तो देखा जाता है कि इस तरह के लोग जीवन भर संघर्ष करते पाए जाते हैं, पर ये पाम संघर्ष वाला पाम नहीं है, क्योंकि कलर अच्छा है, माउंट अपनी जगह पर सब बढ़िया है। तो जब आपके माउंट अगर व्यवस्थित हो और धन रेखा हो और मनी ट्रायंगल न भी हो तो भी आप अच्छा पैसा कमाते हो। हाँ, नो डाउट खर्च का पैमाना थोड़ा अधिक रहता है, पर फिर भी धन अच्छा कमा लेता है व्यक्ति, उसमें दो राय नहीं। पर अगर माउंट दबे कुचले है, कलर हाथ का दमदार नहीं है, और इस तरह की फेट लाइन है, फेट लाइन में दम नहीं है,
तो व्यक्ति संघर्ष ही करता पाया जाता है। फेट लाइन भी चमकदार है, हाथ भी चमकदार है, माउंट भी अपनी जगह पर है, तो मनी ट्रायंगल हो या ना हो व्यक्ति पैसा अच्छा कमाता है। हाँ, उसके हाथ में खर्च का पैमाना ज्यादा रह सकता है, पर इनकम का पैमाना भी ज्यादा रहता है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर पहले ही नजर जाती है इस लाइन पर। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति गाड़ी घोड़े में 100% घूमता है, 100% गाड़ी घोड़े में घूमता है, और ये रेखा धन देने में सक्षम है, लग्जरियस लाइफ देगी इनको, खूब सारा पैसा भी देगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी शुक्र रेखा है और जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है, और शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है, और साथ में गुरु का भी साथ मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर जीवन में अच्छा खासा धन इनको देंगे। और इस तरह का गुरु पर्वत भी व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार अच्छा करवाता है, तो सारे प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। और जिनका शुक्र पर्वत अच्छा रहता है, व्यक्ति थोड़ा सा कामुक जरूर रहता है, पर पैसा कमाने में भी एक नंबर होता है और पैसा खर्चने में भी एक नंबर होता है। अब इनकी हार्ट लाइन को देखें, काफ़ी स्मूथ हार्ट लाइन और कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर चल रही है। भरोसे लायक इंसान होते ये लोग, और थोड़ी सी कव भी ले रही है तो थोड़ी सी भावना भी व्यक्ति के जीवन में रहती है, पर हार्ट लाइन काफ़ी क्लीन है, तो बहुत कम झंझटें इनके जीवन में रहेगी, बहुत कम, यानी अपना जीवन ये लोग जी पाते, बहुत अच्छी तरह से जी पाते। सेम इसी तरह माइंड लाइन लगभग 25 से 28 तक तो ये अपने परिवार से जुड़े रहे होंगे, उस पीरियड तक कुछ भी नहीं कर पाए होंगे, और उसके बाद ये माइंड लाइन अलग होकर चल रही है, और वो भी अंदरूनी मंगल को देख रही है, तो प्लान भरपूर बनते होंगे इनके जीवन में, प्लान भरपूर बनते होंगे, और ज़्यादातर प्लान दिमाग में रहते होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होते होंगे। और दूसरी माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आया तो गुस्सा आ जाता है, और एक लाइन ऐसी है जो इनको गुस्सा दिलाती होगी, ये लाइन, ये ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव बनाती है, ये दोनों लाइनें, माइंड लाइन भी और ये लाइन भी, थोड़ा सा भी ज़्यादा दबाव आया तो गुस्सा आ जाता है, पर माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बुद्धि प्रतिभा अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इनकी रेखाएं सारी अच्छी है, ग्रह सारे अच्छे, सब कुछ अच्छा है। अब जीवन रेखा और माइंड लाइन देखें, तो यहाँ तक 28 तक तो ये जॉइंट चल रही है, 28 तक ये कुछ नहीं कर पाते, और उसके बाद अच्छी खासी जीवन रेखा सीधी चलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, और दूसरी एक रेखा इस तरह से जा रही है, तो ये फोक बनता है, तो व्यक्ति यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है व्यक्ति को जीवन में। और दो राहु रेखाएं इनको काट रही है, एक 35 के आसपास और एक 36 के आसपास, ये दो राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी लाइफ में, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान, रुकावट आएगी इनके जीवन में, इनको डिस्टर्ब होता लगेगा जीवन, और अंधकारमय जीवन लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर ये जैसे ही पीरियड पूरा होगा वापस जीवन धरे पे आ जाएगा। और एक राहु रेखा इनको उम्र 45 के आसपास, एक दो साल प्लस माइनस, इस पीरियड में इनको घाटा जाएगा और कोई ना कोई जीवन में रुकावट आएगी इस पीरियड में, उसके अलावा कोई राहु रेखा नहीं है। और इनके ऑफशूट है एक 41 के आसपास, ये कोई ना कोई वस्तु दिलाएगी ये ऑफशूट इनको 41 के आसपास, और उसके बाद 51 के बाद बहुत सारे ऑफशूट इनके पाम पर छोटे छोटे हैं, तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई सफलता इनके जीवन में इनको प्राप्त करवाएगी। और जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, तो स्वास्थ्य और जीवन एनर्जेटिक हमेशा बना रहेगा। अब इनकी फेट लाइन, अगर यही फेट लाइन यहाँ पर ब्रेक नहीं होती, यहाँ स्टॉप ना होती, तो ये राहु से निकलने वाली फेट लाइन अचानक व्यक्ति को जंप लाती है, अचानक जंप लाती है। जीवन बहुत छोटे पहिए पे रहता है और अचानक बड़े लेवल का व्यक्ति बन जाता है, पर यहाँ पर ये ब्रेक आ गया, ये लगभग 34.5 के आसपास ब्रेक आया हुआ है, और ये 36 से इनके जीवन में वापस शुरुआत होगी, 36.5 में कोई ना कोई बदलाव आएगा। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ ये पीरियड इनका संघर्षमय वाला है, 34.5 से लेके
36 तक का पीरियड संघर्षमय रहेगा। इनकम के सोर्स लगभग नील बटा नील हो जाएंगे और तकलीफें काफ़ी रहेगी इनको, पर 36 साढ़े 36 से एक फेट लाइन अच्छी खासी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। यहाँ इनको समय मिला है, इस पीरियड में इनको विदेश की ओर रवाना हो जाना चाहिए, मेरी तो यही राय है। और उसके बाद ये कंटिन्यू बहुत सारी फेट लाइनें इनको कंटिन्यू बुढ़ापे तक इनकम देती रहेगी। और जिस तरह की इनकी फेट लाइन है, ये अच्छा खासा धन देती है इस तरह की फेट लाइन, क्योंकि चमक रही है, ये शाइन है उस फेट लाइन में। और ये फेट लाइन शुरू भी हुई है लगभग 28 के आसपास से, 27-28 से इनके जीवन की शुरुआत हुई होगी। और यहाँ पर एक ब्रेक आता दिख रहा है और एक ब्रेक इनको 45-44 के आसपास और एक घाटा जो ये राहु रेखा काट रही है ये इनको मिलने वाला है। यहाँ पर ज़बरदस्त इनको घाटा होगा इस पीरियड में भी, और उसके बाद वापस जीवन अच्छा चलेगा और मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ है इनके पाम के एनालिसिस। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।